अच्छा जी, हम github.com को ओपन कर लेते हैं। ये हमने github.com को ओपन कर लिया ना। अच्छा, github.com के फ़ायदे मैंने आपको बता दिए थे, github क्यों हम ज़रूरी है, github के ऊपर अकाउंट बनाना। अच्छा, दोबारा भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ना। github इस वक्त एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स के लिए ख़ास एक सोशल मीडिया बनाया गया है, जो डेवलपर के लिए, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनके लिए, जो कोडिंग करते हैं, जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं, ये उनके लिए ख़ास एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अच्छा, इसके अंदर लोग क्या करते हैं कि जो भी उन्होंने प्रोग्राम लिखा है और जो भी उन्होंने कोडिंग की हुई है वो इसके अंदर शेयर करते हैं, और जब दूसरे लोग यहाँ पर आते हैं वो इस कोडिंग को देखने के लिए आते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या करना है, क्योंकि हम भी अब डेवलपर बनने जा रहे हैं तो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पता होना चाहिए। तो हम इस क्लास के अंदर जितने भी टास्क बनाएंगे फ्रॉम नाउ एंड ऑनवर्ड्स, तो हम इसके अंदर वो पोस्ट करेंगे, ठीक है। आपकी असाइनमेंट की जो सबमिशन होगी वो गिटहब के ऊपर होगी, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जितने भी अभी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जो कोलैबोरेशन होती है कि जी दो लोग या चार लोग या दस लोग एक प्रोजेक्ट पे जब काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो कोड की कोलैबोरेशन होती है, कोड शेयरिंग होती है, वो भी इसके ज़रिए होती है, github.com के ज़रिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जी अगर 10 लोग एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और 10 लोग अलग अलग अपने कंप्यूटर के ऊपर कोडिंग कर रहे हैं तो उस कोड को वो आपस में मिलाएंगे कैसे, क्योंकि वो उसको मिला के एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ना, तो वो एक जगह उसको कैसे लेकर आएंगे। आज से कुछ अरसे पहले तक, यानी कि आज से 20-25 साल पहले तक, वो ये काम USB के ज़रिए या फ्लॉपी डिस्क के ज़रिए होता था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, गूगल ड्राइव वगैरह आ गई तो उसके ज़रिए करने लगे लोग। अच्छा, फिर उसके बाद इस तरह के प्लेटफॉर्म आ गए। इससे गिटहब से पहले एक प्लेटफॉर्म यूज़ था, उसको SVN कहते थे, लेकिन उसको गौर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी ये गिटहब सबसे ज़्यादा मार्केट में इन है। तो उसके बाद आ गया गिटहब। ये गिटहब गालबन कोई 2013-14 में इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसके बाद से जो है ना गिटहब सबसे ऊपर है इस वक्त, और इसके ऊपर सारी कोलैबोरेशन होती है। अच्छा, तो हमने आज की क्लास के अंदर क्या करना है कि हमने इस गिटहब के ऊपर एक रिपोजिटरी बनानी है। इसके अंदर जैसे गूगल ड्राइव के अंदर हम फोल्डर बनाते हैं ना, तो इसके अंदर भी बिल्कुल सेम फोल्डर जो बनता है, फोल्डर को इसके अंदर रिपोजिटरी बोलते हैं। अच्छा, एक रिपोजिटरी जो है वो एक फोल्डर से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, ठीक है। उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ होती हैं जो एक आम फोल्डर के अंदर नहीं होती हैं, इसी वजह से इसको रिपोजिटरी बोला जाता है, ठीक है। हालांकि ये फोल्डर है तो हम इसको फोल्डर नहीं बोलेंगे, हम इसको रिपोजिटरी बोलेंगे, जो इसका ख़ास नाम इन्होंने खुद रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, मैं इस वक्त कहाँ पर मौजूद हूँ, मैं बल्कि उसको बंद करके दोबारा खोलता हूँ। मैं github.com पे आता हूँ, ठीक है जी, github.com। तो आपको जो है ना कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये प्रोफाइल का आपके फ़ोटो आ रही है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना प्रोफाइल फ़ोटो पे, तो योर प्रोफाइल ऐसे आ रहा होगा। योर प्रोफाइल पे आप जाते हो, योर प्रोफाइल पे जाने से आपकी ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपने अपनी फ़ोटो वगैरह लगा लेनी है, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में जो आप अपने बारे में कुछ लिख दें छोटा मोटा, ठीक है। और इसके अंदर आप एक दूसरे को फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है, तो आप मुझे भी इसके अंदर फॉलो कर लें। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें ओवरव्यू है ना, इसके बिल्कुल साथ लिखा हुआ है रिपोजिटरीज, इसके ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखें 353 रिपोजिटरी, 353 रिपोजिटरीज जो मेरी पहले की बनी हुई है ना, वो यहाँ पे सारी डिस्प्ले हो रही है इधर, ठीक है। अच्छा, आपके पास ये रिपोजिटरी एक भी नहीं आ रही होगी, ठीक है, आपके पास ये ब्लैंक होगा। आपने क्या करना है जी, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, मसला नहीं। कोई भी अगर सवाल हो आपका दरमियान में तो मुझे रोक के आप सवाल पूछ सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, रोकने का तरीका क्या है कि आप ऐसे हाथ खड़ा करेंगे, तो हो सकता है मैं आपका सवाल फ़ौरन ले लूँ, या हो सकता है मैं आपको बोलूँ कि यार मैं थोड़ी देर में आपका सवाल लेता हूँ, ठीक है। तो आप हाथ खड़ा करेंगे, ये इंटरनेशनल तरीका है, पूरी दुनिया के अंदर जब आप क्लास में या लेक्चर में किसी भी जगह बैठते हैं आपका कोई सवाल होता है तो आप हाथ खड़ा करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप कोई आवाज़ निकालेंगे तो उससे बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो इस वजह से आप आवाज़ नहीं निकालते बल्कि आप हाथ खड़ा करते हैं। अच्छा जी, तो ये न्यू का बटन मैं दबाऊंगा ना तो मेरी एक नई रिपोजिटरी इसके अंदर क्रिएट हो जाएगी ना, तो मैं न्यू का बटन दबाता हूँ। अच्छा, न्यू का बटन दबाने से पहले मैं ये करता हूँ कि न्यू का बटन मैंने दबाया, और न्यू का बटन दबाते ही मेरे पास एक ये फॉर्म ओपन हो गया जिसके अंदर ये मुझसे पूछ रहा है कि आपकी रिपोजिटरी का जो है ना नाम आप क्या रखना चाहते हैं। अच्छा, प्रोजेक्टर की स्क्रीन सब लोगों को नज़र आ रही है पीछे तक,
अच्छा रिपोजिटरी का मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ राइट। अच्छा मैं जो रिपोजिटरी का नाम रख देता हूँ ना, वो मैं रख देता हूँ पेशावर वेब वेब डेवलपमेंट क्लास, ठीक है, पेशावर वेब डेवलपमेंट क्लास, इसका मैंने ये नाम रख दिया। अच्छा और भी मुझसे नीचे कुछ बातें पूछ रहा है, डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है कि जी इस रिपोजिटरी में आप क्या रखेंगे, ज़रा यहाँ लिख दें डिस्क्रिप्शन उसकी लिख दें, लेकिन डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं लिखी है, डिस्क्रिप्शन को मैं खाली छोड़ रहा हूँ, बाकी नीचे की तमाम सेटिंग जो डिफ़ॉल्ट पे है उसी पे छोड़ रहा हूँ मैं उसको, ठीक है। हम पब्लिक रिपोजिटरी बना रहे हैं, ये रिपोजिटरी प्राइवेट भी हो सकती है, मिसाल के तौर पर मेरे पास जो पहले से रिपोजिटरी बनी हुई है उसमें से कुछ रिपोजिटरी पब्लिक हैं और कुछ प्राइवेट हैं, ठीक है। तो जो प्राइवेट हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगी, वो सिर्फ मुझे नज़र आएंगी, ठीक है। अच्छा और क्रिएट रिपोजिटरी का बटन मैंने प्रेस किया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रिपोजिटरी बन के तैयार हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। अच्छा ये रिपोजिटरी बन के तैयार होने के बाद कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे ही आपको कुछ सजेशन दे रहा है, कुछ आप अपना माल बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इनकी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको सेल करने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा आपको यहाँ पर ये कुछ क्विक सेटअप गाइड बता रहा है कि ये जो रिपोजिटरी बन गई है इसके साथ अब आपने करना क्या है ना, आपके आपने इसके साथ आगे अब क्या कुछ आप कर सकते हैं उसके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। तो ये ज़रा इन्होंने मुश्किल अंदाज में बताया, मैं आपको ज़रा यही चीज़ एक आसान अल्फाज में आपको मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तो आज की क्लास का हमारा टारगेट क्या है कि इस रिपोजिटरी को जो हमने बना लिया है अभी, इसके अंदर एक फ़ाइल हम पोस्ट कर दें, ठीक है, जैसे फेसबुक के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर एक फ़ोटो या एक एक, एक कोई चीज़ कोई बात आप लिखते हैं और उसको पोस्ट कर देते हैं, तो वो काम आज हम करने जा रहे हैं। अच्छा शुरू में पहली दफ़ा में शायद आपको लगे कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि फेसबुक में तो बड़ा आसान होता है, आप लिखते हैं और पोस्ट कर देते हैं ना, तो बड़ा आसान होता है। तो अभी आप इसमें जो देखेंगे वो शायद आपको लगे कि यार ये तो फेसबुक के मुकाबले में बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि इसको ऑप्टिमाइज़ किया गया है कोडिंग के लिए, सॉफ्टवेयर लोगों के लिए ना, जो सॉफ्टवेयर बन रहे होते हैं उसके अंदर अच्छा खासा कोड लिखते हैं, उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स होती हैं और उसके अंदर फिर एसेट्स होते हैं बहुत सारे, तो वो एक 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 अच्छा खासा उसमें कंटेंट होता है, ठीक है ना। फेसबुक के मुकाबले में, फेसबुक में तो आप चार लाइनों की बात लिखते हैं या एक फ़ोटो लगाते हैं और पोस्ट करते हैं ना, तो वो ज़रा मुख्तलिफ चीज़ है। इसको जो बनाया गया ना, ये डेवलपर्स के लिए ऐसे तरीके से बनाया गया कि डेवलपर्स के लिए आसानी हो। तो पहली दफ़ा में आपको शायद मुश्किल लगे, लेकिन लॉन्ग रन में जब आप इसको रोज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि अगर ये इस तरीके से ना करते तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता, अगर फेसबुक वाले तरीके से करते तो बड़ा मुश्किल होता, ठीक है ना। क्योंकि मेरे तो लैपटॉप के अंदर कोड पड़ा हुआ है, मैं रोज़ उसमें नया कोड लिखता हूँ, अब मैं रोज़ दोबारा उठा के अगर फेसबुक की तरह पोस्ट करूँ तो शायद वो इतना अच्छा अप्रोच नहीं होगी, ये ज़्यादा अच्छी अप्रोच है जो इन्होंने की हुई है। अच्छा तो अब हमने क्या करना है, ये जो रिपोजिटरी यहाँ पर हमने क्रिएट कर ली है, अगेन मैं बताता चलूँ कि रिपोजिटरी एक ख़ास किस्म का फोल्डर है, एक ख़ास तरह का फोल्डर है जिसमें एक आम फोल्डर से कहीं ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो एक आम फोल्डर के अंदर नहीं होती हैं, ठीक है, थीके? और एट द एंड ऑफ द डे ये है एक फोल्डर ही। अच्छा तो इस फोल्डर को, इस रिपोजिटरी को मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर क्लोन करना है, ठीक है, इसको डाउनलोड का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, इसके लिए करते हैं क्लोन का वर्ड इस्तेमाल, क्योंकि ये जो क्लोन हम करते हैं ये डाउनलोड से ज़रा मुख्तलिफ है, ठीक है। डाउनलोडिंग में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुख्तलिफ हैं ज़रा क्लोन में, वो क्या मुख्तलिफ है उस पर भी गौर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको असल में हम डाउनलोड कर रहे होंगे, लेकिन उसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है क्लोन, तो इसको हमने क्या करना है, क्लोन करना है अपने कंप्यूटर के अंदर। कैसे करूँगा मैं, यहाँ पे आप देखें URL लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये जो HTTPS वाला URL है, आपने इस URL को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। अच्छा यहाँ पे ना URL दो तरह के होते हैं, एक होता है SSH वाला जिसमें ये @ आ रहा होता है, ये हमें नहीं करना है, हमें करना है HTTPS वाला, ठीक है, ये बाई डिफ़ॉल्ट इसी के ऊपर होता है, लेकिन जस्ट मैंने बता दिया कि अगर गलती से क्लिक हो जाता है फिर वो बंदा ढूंढता रहता है कि ये HTTPS वाला क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा तो इसके ऊपर मैंने इसको कॉपी किया, राइट क्लिक करके इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, या मैं ये बटन दबाकर भी इसको कॉपी कर सकता हूँ ना, इस बटन को दबाऊंगा तो इससे भी कॉपी हो जाता है। अच्छा इसको कॉपी करने के बाद अब मैं आऊँगा अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, अपने कंप्यूटर के अंदर आकर मैं किसी भी फोल्डर के अंदर इसको क्लोन करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर जैसे कि मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है, ये मेरे पास फोल्डर है डॉक्यूमेंट्स, या मिसाल के तौर पर मेरे पास डेस्कटॉप है और डेस्कटॉप में मेरे पास एक फ़ोल्डर है क्लास, ठीक है, इसके अंदर मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ क्लास के अंदर ये ऐसे आ जाए, जैसे ASF सेक्शन ए है, ठीक है, SMIT बैच 9 ऐसे ही, इस तरह ये सारी क्लासों के फ़ोल्डर है, मैं चाहता हूँ इसी के साथ ये भी आ जाए। अच्छा तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर टर्मिनल ओपन करना है,
ठीक है, ये टर्मिनल आपने ओपन किया। अच्छा, टर्मिनल जब ओपन होता है बाय डिफ़ॉल्ट तो ये किधर होता है, ये होम के ऊपर होता है, ठीक है। ये मैक और लिनक्स के अंदर बता रहा हूँ, ये होम के ऊपर होता है। अभी मैं विंडोज़ में भी बताता हूँ, ताकि जो तीन मेजर प्लेटफॉर्म है तो तीनों के बारे में आपको बताता हूँ, ताकि आप में से कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो तो वो इसको आसानी से कर ले। अच्छा, तो पहले मैं मैक और लिनक्स का बता देता हूँ, फिर मैं विंडोज़ का बता देता हूँ। अच्छा, मैक और लिनक्स के अंदर क्या होता है कि जब ये टर्मिनल ओपन होता है तो ये होता है होम डायरेक्टरी के ऊपर, क्योंकि मैक और लिनक्स के अंदर ये ड्राइव लेटर्स नहीं होते ना, सी डी ई ड्राइव जो होते हैं इसमें ये नहीं होते हैं, इसमें एक ही ड्राइव होती है और उसको ये कहते हैं, ये अलिफ मद्दा जो लिखा हुआ है ना, ये कहते हैं इसको, ठीक है, इसको कहते हैं ये होम। तो ये यहाँ से शुरू होता है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने इस फोल्डर के अंदर आना है। किस में आना है, मैंने ये अंडर स्कोर क्लास वाला जो फोल्डर है मैंने इसके अंदर आना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा सी डी, इसको ज़रा मैं जूम इन भी कर लेता हूँ, सही है, मैं कमांड लिखूँगा सी डी स्पेस। अच्छा, ये मैंने ये बैक स्पेस करके सब कुछ मिटाया हुआ है, ठीक है ना, ये पहले से आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कमांड में आप ये भी लिख दें, ऐसा ना हो, ठीक है। आपने डायरेक्ट लिखना है सी डी स्पेस, और ये जो फोल्डर है इसको आप ऐसे पकड़ के यहाँ पे ऐसे लाके छोड़ते हैं अगर, ठीक है, तो ये इसका पाथ यहाँ पर आ जाता है। और आप क्या करते हैं, आप एंटर करते हैं। एंटर करने से क्या होता है कि मेरा टर्मिनल इस जगह पर पहुँच जाता है क्लास के अंदर, ठीक है। अच्छा, आपने जो कमांड चलानी है वो अब इधर आके चलानी है, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं कमांड क्या चलाऊँगा, गिट क्लोन और स्पेस वो URL जो मैंने अभी रिपोजिटरी बनाई है ना, ये वाला URL, ये URL मैंने इधर पेस्ट किया, ठीक है। आपने मेक श्योर करना है कि आप जिधर आपने इसको क्लोन करना है आप उस फोल्डर के अंदर आकर ही इसको कमांड को चलाएं। अच्छा, अब यही काम मैं इसको कमांड को अभी रिमूव करता हूँ, अभी मैं इस कमांड को चला रहा नहीं हूँ, ठीक है। ओके, इस कमांड को मैं रिमूव कर देता हूँ, और अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि विंडोज़ के अंदर ये टर्मिनल कैसे खुलता है, ठीक है। विंडोज़ के अंदर जो है वो टर्मिनल को कहते हैं वो CMD, चीज़ बिल्कुल एक ही है, ठीक है। मैक और लिनक्स में उसका नाम टर्मिनल रखा गया, और विंडोज़ के अंदर उसका नाम जो है रखा गया कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, ऐसी ब्लैक स्क्रीन में खुलता है वो। अच्छा, उसको खोलने का तरीका क्या है, उसको खोलने का तरीका ये है कि आप जाएंगे जिस फोल्डर में भी आपने उसको ओपन करना है, ठीक है जी, जिस फोल्डर में भी आपने उसको ओपन करना है आप वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से खुलता है ना विंडोज़ के अंदर फोल्डर, सही है। मिसाल के तौर पे आप चले गए डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। डॉक्यूमेंट के अंदर जाने के बाद या जिधर भी आप जाना चाहते हैं, किसी आप एफ़ ड्राइव में या डी ड्राइव में उसको आप क्लोन करना चाहते हैं, उसमें आपने एक फोल्डर बनाया हुआ क्लास वर्क के नाम से, ठीक है। तो क्लास वर्क वाले फोल्डर में आप जाएंगे, और वहाँ जाने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो एड्रेस बार है ना, एड्रेस बार जिसके ऊपर ये की तीर बनाया हुआ है एड्रेस बार का, इस एड्रेस बार पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको आप रिमूव कर देंगे, पहले से जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको आप रिमूव कर देंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे CMD और एंटर करेंगे आप, तो टर्मिनल ओपन हो जाएगा और इसी फोल्डर में ओपन होगा, ठीक है। टर्मिनल ओपन हो जाएगा और इसी फोल्डर में ओपन होगा। दोबारा से बता रहा हूँ, क्या करेंगे आप, जिस फोल्डर में भी आपने टर्मिनल को ओपन करना है या जिस फोल्डर में भी आपने रिपोजिटरी को क्लोन करना है, आप उस फोल्डर के अंदर जाएंगे, वहाँ पे जाकर एड्रेस बार पे क्लिक करेंगे, एड्रेस बार में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको आप रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद आप क्या करेंगे, वहाँ पे CMD लिखेंगे और एंटर का बटन दबाएंगे, तो वहाँ पे वो कमांड प्रॉम्प्ट खुलकर आ जाएगा और बिल्कुल इस तरह से उसके अंदर उस फोल्डर का नाम लिखा हुआ आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गई ये बात। अच्छा, ये जो टर्मिनल है ना, ये कमांड प्रॉम्प्ट है, ये अब डेवलपर्स का जो ज़्यादातर काम होता है वो टर्मिनल से उसका ताल्लुक होता है ना। तो अब ये टर्मिनल जो आपको मैंने बताया ना खोलना, ये आपने भूलना नहीं है, ये हमेशा अब इसको हम खोला करेंगे तो इसी तरह खोला करेंगे। तो अब इसके ऊपर मैं कमांड चलाता हूँ गिट क्लोन और वो URL जो मैंने गिट हब की रिपोजिटरी से कॉपी किया था, ठीक है, ये वाला URL, ये कमांड मैं इसमें चलाने लगा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं ये कमांड चलाऊँगा ना, मेरे पास तो नहीं आएगा एरर, लेकिन आपके पास ये एरर आएगा, ठीक है। तो मैं इस कमांड को पहले तो चला देता हूँ इधर, ये मैंने कमांड को चला दिया इधर। जैसे ही मैंने इस कमांड को चलाया है तो आप ये देखें कि यहाँ पे ना ये पेशावर वेब डेवलपमेंट क्लास के नाम से एक फ़ोल्डर नया बनकर आ गया, जो कि पहले यहाँ पर मौजूद नहीं था, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरे पास तो आ गया, लेकिन आप जब इस कमांड को चलाएंगे तो आपके पास एक एरर आएगा। वो एरर क्या होगा, वो ये होगा जी कि गिट इज़ नॉट रिकग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। इस एरर का मतलब ये है कि आपके पास गिट इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। ये जो गिट है ना, जो मैंने लिखा है, ये आपके पास इंस्टॉल नहीं है। एक तो गिट हब है, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है,
जो कि जस्ट लाइक फेसबुक है। एक है गिट, सही है, जस्ट गिट नाम है उसका, गिट हब नहीं है, सिर्फ गिट है। गिट क्या चीज़ है, एक CLI टूल है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, जस्ट लाइक VLC प्लेयर, जस्ट लाइक गूगल क्रोम, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो आप क्या करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर उसको इंस्टॉल करते हैं आप, ठीक है। मेरे पास वो सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल है तो इसलिए मेरे पास एरर नहीं आया, आपके पास क्योंकि वो सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल नहीं है तो आपके पास वो एरर आएगा। अच्छा, लिनक्स के अंदर जो है ना जस्ट एक वाहिद ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें ये पहले से इंस्टॉल होता है क्योंकि लिनक्स जो है वो सर्वर के लिए बनाया गया है ख़ासतौर पर, तो सर्वर पर इसका बड़ा यूज़ रहता है। वेल, तो आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। आप गूगल के ऊपर जाकर लिखेंगे गिट, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, मैंने जस्ट गिट लिखा है, ठीक है, गिट हब नहीं लिखा है, गौर कीजिएगा। अच्छा, गिट लिखने पर जो पहला मेरे पास लिंक आता है ना, ठीक है, gitscm.com, मैंने इसके अंदर चले जाना है, ठीक है। इसके अंदर मैं चला गया और यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर मैक, ठीक है। तो इसी तरह आप अगर विंडोज़ पे ओपन करेंगे तो आपके डाउनलोड फॉर विंडोज़ लिखा हुआ आ रहा होगा। मेरा ख्याल है यहाँ पे तमाम लोग विंडोज़ के यूज़र हैं, यहाँ पे कोई लिनक्स तो नहीं है और मैक भी कोई नहीं है, मैक है आप। अच्छा, तो आपको भी मैंने बता दिया तो आपके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैक पे आपको जो सॉफ्टवेयर सारे इंस्टॉल करना आते हैं, क्योंकि ये मैक के अंदर ना CLI बेस होता है, होम ब्रू से ये बताता है ना, तो आप लिखेंगे ब्रू इंस्टॉल गिट, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, अगर ना समझ आए तो आप ग्रुप में मुझे मेंशन करके सवाल कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रुप में वैसे आप एक दूसरे की हेल्प करें, लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल हो जिसका जवाब किसी को भी ना आता हो तो आप क्या करेंगे, आप मुझे मेंशन करेंगे वहाँ, तो फिर वो मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है उसका, फिर मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं उसका जवाब देता हूँ, ठीक है। और कोशिश करें कि सवाल हमेशा आप ग्रुप में पूछें, ग्रुप में सवाल पूछने से फ़ायदा ये होता है कि आपने अगर कोई सवाल पूछा है तो हो सकता है कि वही सवाल किसी और बंदे के जहन में भी हो लेकिन वो बेचारे ने पूछा नहीं हो, ठीक है, किसी भी वजह से वो पूछा नहीं हो उसने हेजिटेशन की वजह से। वैसे तो हेजिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे मैंने ये बात मेक श्योर की है कि उस ग्रुप में आपके अलावा कोई और ना हो, ठीक है। यही वजह है कि मैंने आपसे लिंक भी शेयर नहीं किया, मैंने कहा इधर आके स्कैन करो आप, तो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इसके अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं है, तो हेजिटेशन की तो कोई बात नहीं है, ना ही कोई वहाँ पे सीनियर्स भी मौजूद नहीं है, ठीक है, सिर्फ मैं ही हूँ वहाँ पे एज अ सीनियर ना आपका। तो ग्रुप में सवाल पूछने से फ़ायदा ये होता है कि जो सवाल आपने पूछा हो सकता है वो किसी और के जहन में भी हो लेकिन उसने पूछा ना हो, तो जब आपको जवाब दिया जाता है तो वो बाकी लोगों के लिए भी हेल्पफुल होता है, ठीक है, बाकी लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर इनबॉक्स में आप करेंगे तो उसको वो किसी को नज़र नहीं आता, वो सिर्फ आपको नज़र आता है, तो वो फिर किसी और के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकता। नंबर दो रीज़न ये कि अगर आप इनबॉक्स में पूछते हैं सवाल मुझसे या किसी और स्टूडेंट से, ठीक है, तो उसका नतीजा ये होता है कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं जवाब दूंगा ना, ठीक है। तो हो सकता है मैं जवाब देने में शायद 2 घंटे बाद जवाब दूँ या शायद 12 घंटे बाद जवाब दूँ। ग्रुप में ये होता है कि आपने जब सवाल पूछा तो उस वक्त अगर 200 लोग हैं ग्रुप में तो उसमें से कोई ना कोई उस वक्त ऑनलाइन बैठा होता है, तो आपको जवाब मिलने के चांसेस ज़रा जल्दी होते हैं, आपको जल्दी जवाब मिलता है, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो आपने ग्रुप में क्या करना है, एक दूसरे की हेल्प भी करनी है और आपके जहन में कोई सवाल हो, कहीं पे आप स्टक हो तो वो सवाल आपने पूछना है वहाँ पे। अच्छा, तो आपने क्या कर लिया, डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे यहाँ पे क्लिक किया, उससे क्या होगा गिट आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद क्या होगा आपने उसको डबल क्लिक करके ओपन करना है विंडोज़ के ऊपर, ठीक है, और उसके अंदर नेक्स्ट का वो बटन आ रहा होगा, तो 3-4 दफ़ा आपने नेक्स्ट दबाना है तो वो इंस्टॉलेशन उसकी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, वो नेक्स्ट जब आप करेंगे तो दरमियान में वो आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा कि जी किधर इंस्टॉल करना है और कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उन कॉन्फ़िगरेशन को आपने चेंज नहीं करना है, ठीक है, जो लिखी हुई आ रही है उसको डिफ़ॉल्ट पे छोड़ना है, जस्ट उसको डाउनलोड करके डबल क्लिक करना है, नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है, कोई चीज़ दरमियान में आपने चेंज नहीं करनी है इसके इंस्टॉलेशन के दौरान, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे इसको इंस्टॉल करना है। अच्छा, जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे ना गिट -- वर्जन, यस, जस्ट आप गिट भी लिखेंगे अगर, तो आपके पास वो जो एरर आता था ना पहले कि गिट इज़ नॉट रिकग्नाइज, उसकी जगह पर आपके पास ये गिट का वर्जन शो करने लग जाएगा, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ मैंने क्या लिखा है, क्लियर करता हूँ मैं अपनी स्क्रीन को। अच्छा, विंडोज़ में इसकी कमांड है CLS है, ठीक है, इसके अंदर मुझे क्लियर पूरा लिखना पड़ता है, विंडोज़ के अंदर इसके लिए CLS लिखते हैं तो स्क्रीन क्लियर हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ गिट -- वर्जन, तो आप देखें मेरे पास इसने बोला है कि आपके पास क्या वर्जन इंस्टॉल है, 2.41 आपके पास इंस्टॉल है, अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है, 2.42 है, तो चलो मसला नहीं है, ठीक है, कोई मेजर चेंज नहीं है, तो मैं इसको अपडेट कर लूँगा कभी ना कभी। अच्छा, मेरे पास अब इस वक्त क्या हो चुका है, गिट इंस्टॉल हो चुका है। अब गिट इंस्टॉल होने के बाद जब आप ये कमांड चलाएंगे ना, ये वाला गिट क्लोन
और ये पूरा यूआरएल, तो आपके पास भी क्या होगा, इसी तरह से फोल्डर बना हुआ आ जाएगा जैसे मेरे पास ये फोल्डर बनकर आ गया। ठीक है, इस पॉइंट पे हमने क्या कर लिया है अभी तक, हमने नंबर एक काम ये कर लिया है कि github.com पे एक रिपोजिटरी बना ली है, वो रिपोजिटरी इस वक्त खाली है। उस रिपोजिटरी को क्लोन करके अपने लैपटॉप के अंदर ला चुका हूँ। अच्छा, अब मैंने अगला काम क्या करना है, ये दो स्टेप तो मैंने कर लिए हैं, अब अगले जो दो स्टेप हैं वो ये करना है हमें कि इस खाली रिपोजिटरी के अंदर, इस खाली फोल्डर के अंदर हमने एक फ़ाइल बनानी है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल, अभी तो क्योंकि हमने कोडिंग नहीं सीखी है ना, जब हम कोडिंग सीखेंगे तो फिर हम HTML की, हम JavaScript की फाइलें बनाया करेंगे। ठीक है, अभी हम टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं, फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट फाइल इसके अंदर बना लेते हैं, और टेक्स्ट फाइल जब बन जाएगी उसमें थोड़ा सा टेक्स्ट लिखेंगे हम, और थोड़ा सा टेक्स्ट लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, वापस GitHub में भेजेंगे। ठीक है, तो फाइल बनानी है, वापस GitHub में भेजना है इसको। तो ये टोटल चार स्टेप के अंदर हमारा ये जो काम है आज का वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके पास तकरीबन टाइम होगा एक घंटा, आप इसको यहीं पर अपने हाथ से करेंगे अभी। जी दोस्त, ये 64-bit वाला करें, विंडोज सेटअप जिस पे लिखा हुआ है ना, ये 64-bit गिट फॉर विंडोज सेटअप, हाँ ये वाला करें। दोस्त ने बताया कि जब हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं ना तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक 32-bit आता है, एक 64-bit आता है, तो 64-bit वाला आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है, क्योंकि अभी जितने भी नए कंप्यूटर हैं ना उसमें 64-bit की विंडोज़ होती है। ठीक है, अगर 64-bit आप डाउनलोड करते हैं आपके पास नहीं चल रहा है तो फिर 32-bit कर लें आप, है ना। हो सकता है अगर आपको पुरानी विंडोज़ हो तो उस पर 32-bit चलता है, जो नई वाली विंडोज़ जितनी भी होती है सारी वो 64-bit की विंडोज़ होती है, राइट। अच्छा जी, तो अब हमने जो काम करना है, जो हमारा दो स्टेप हो गया है, रिपोजिटरी क्रिएट करना और उसको क्लोन करना, ये दो स्टेप हो गया हमारा। दो स्टेप हमारा और रहता है कि इसके अंदर एक मैं फाइल बनाऊं और फाइल बना के उसको वापस गिटहब में पुश करूं। तो फाइल बनाने के लिए अब मैं इसमें क्या करूंगा, ठीक है, फाइल बनाने के लिए मैं ये करूंगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं इसके अंदर कि यहाँ पे ना आपके पास ये रिपोजिटरी वैसे तो अभी खाली नज़र आ रही है, लेकिन ये खाली नहीं है। ठीक है ना, इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ होती है, मैं अगर इसमें हिडन फाइल्स को शो करता हूँ, ठीक है, मैंने हिडन फाइल को शो किया तो देखें डॉट गिट करके ना एक हिडन फोल्डर इसके अंदर है। विंडोज़ के अंदर भी आप अगर हिडन फाइल शो करेंगे ना व्यू में जाके, ठीक है, वैसे अगर किसी को नहीं शो करना आता तो कोई मसला नहीं है, जस्ट मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो ये जो आप रिपोजिटरी जब क्लोन करते हैं ना तो ये खाली तो होती है देखने में वैसे, लेकिन ये एक्चुअली बिल्कुल खाली नहीं होती है, इसके अंदर एक छोटा सा डॉट गिट का फोल्डर होता है। अच्छा, ये जो फोल्डर है इसको आपने छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, इसको आपने ओपन भी नहीं करना है। ओपन वैसे कर लें कोई मसला नहीं, लेकिन आप कोशिश करें इसको आप ओपन भी ना करें, ठीक है, इसमें से कोई भी चीज़ आप डिलीट ना करें, इसमें कोई भी चीज़ आप क्रिएट खुद से ना करें। ये फोल्डर जो है, ये जो गिट का सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया ना अभी थोड़ी देर पहले, तो वो सॉफ्टवेयर इसको हैंडल कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कि इस फाइल के अंदर क्या रखना है कैसे रखना है। ठीक है, तो ये सिस्टम इसको हैंडल कर रहा होता है, आपने इसको हाथ से बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं करना, ना इसमें आपने कोई फाइल बनानी है, ना इसको आपने डिलीट करना है, ना इसको आपने चेंज करना है। ठीक है, और मैं इसको वापस हाइड कर देता हूँ, हिडन फाइल जो है वापस हाइड कर देता हूँ मैं। अच्छा, तो ये जो डॉट गिट का फोल्डर है ना, ये एक आम फोल्डर को रिपोजिटरी बना देता है। ठीक है, एक आम फोल्डर में और एक रिपोजिटरी में जो फ़र्क है ना वो यही है कि आम फोल्डर के अंदर ये डॉट गिट नहीं होता है। ठीक है, जो आपकी रिपोजिटरी होती है गिट की रिपोजिटरी, उसमें ये डॉट गिट का एक छोटा सा फोल्डर होता है जो कि सिस्टम हैंडल कर रहा होता है। अच्छा जी, तो वेल, अब हमने इसके अंदर क्या बनाना है, इसके अंदर हमने एक फाइल बनानी है। अच्छा, फाइल बनाने के लिए वैसे तो मैं राइट क्लिक करके भी एक फाइल बना सकता हूँ, ठीक है, वैसे तो मैं राइट क्लिक करके भी एक फाइल बना सकता हूँ, मसला नहीं है, लेकिन मैं इसके अंदर फाइल किस तरह से बनाऊंगा, मैं इसके अंदर एक टेक्स्ट एडिटर के जरिए फाइल बनाऊंगा। अच्छा, टेक्स्ट एडिटर के जरिए क्यों बनाऊंगा, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कोर्स में अब आ चुके हैं, तो हमने आगे सॉफ्टवेयर बनाना है, हमने कोडिंग करनी है, तो कोडिंग लिखने के लिए हम एक एडिटर का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कोड एडिटर या टेक्स्ट एडिटर या IDE उसको बोलते हैं, ये एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम है। तो टेक्स्ट एडिटर को जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं फाइल को बनाने के लिए। अच्छा, तो मैं कौन सा टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, VS कोड। मैं क्या करूँगा, देखो अभी मैं कौन से फोल्डर के अंदर हूँ, अभी मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ क्लास में, सही है ना, और मैंने जाना है इस फोल्डर के अंदर जो अभी बना है ना, नया क्रिएट हुआ है, तो मैं CD लिखूंगा, स्पेस दूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा PES, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरे फोल्डर के शुरू में पेशावर लिखा हुआ है, तो मैं PES लिखूंगा, मुझे पूरा फोल्डर का इतना लंबा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है हाथ से, मैं जस्ट PES लिख के और इसको टैब का बटन दबा दूंगा तो ये उसको खुद से कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये विंडोज़ मैक और लिनक्स तीनों के ऊपर ये शॉर्टकट काम करता है। ठीक है, तो
मैंने थोड़ा सा नाम लिखा फोल्डर का, शुरू के दो तीन कैरेक्टर लिखे, और उसके बाद मैंने टैब का बटन दबाया तो उसने ऑटोमेटिक इसको कंप्लीट किया, और मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, एंटर करने से मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया। ठीक है, अब ये फोल्डर जिसके अंदर मैं आ गया हूँ, ये एक रिपोजिटरी है। ठीक है, ये एक क्या है, रिपोजिटरी है। आपने अभी फर्दर में जो कमांड आपको बताऊंगा वो सारी कमांड आपने इस रिपोजिटरी के अंदर चलानी है। अगर आप इस रिपोजिटरी से बाहर वो कमांड चलाएंगे तो आपके पास एक एरर आएगा कि यार दिस इज़ नॉट अ गिट रिपोजिटरी। ठीक है, अगर ये एरर आ रहा हो आपके पास, दिस इज़ नॉट अ गिट रिपोजिटरी, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास, आप जिधर खड़े हुए हैं वो गिट की रिपोजिटरी नहीं है, वो एक आम फोल्डर में खड़े हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा, इस सेशन को मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, आपको मैं बाद में रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूँगा, तो मसला नहीं है, अपने हाथों को दुखाने की ज़रूरत नहीं है। सही है ना? तो असल में क्योंकि मुझे पता है कि यार मुश्किल चीज़ है, ठीक है ना, और आप पहली दफ़ा कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का बैकग्राउंड नहीं है, तो इस सेशन को मैं इसलिए रिकॉर्ड करके आपको मैं बाद में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप क्या करें, अगर आपको समझना है तो आप इससे देख के कर लें। ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या आ गया, मैं अपनी गिट की रिपोजिटरी के अंदर आ गया। अब यहाँ पे आके मैंने कमांड लिखनी है, कोड स्पेस डॉट, और एंटर कर देना है। अच्छा, लेकिन जैसे ही आप ये कमांड लिख के एंटर करेंगे तो हो सकता है आपके पास एरर आए। अच्छा, एरर क्यों आए, क्योंकि ये जो मैंने कोड लिखा है ये एक कोड एडिटर है जिसको हम कहते हैं VS कोड, और जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, अगर तो होगा तो फिर इसी तरह चलेगा ये कमांड जैसे मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो वेल पहले मैं इसको इंस्टॉल करना आपको बता देता हूँ कि ये इंस्टॉल कैसे होगा। तो हमने अभी तक दो चीज़ें इंस्टॉल करनी है हमने, एक तो गिट इंस्टॉल करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नंबर दो हमने करना है VS कोड। ठीक है जी, गूगल के ऊपर हमने VS कोड लिखा है। हाँ, अच्छी बात है, वेल डन। तो VS कोड लिखा आपने, जिन लोगों ने नहीं किया वो ज़रा इसको देख लें गौर से, और VS कोड लिख के जो पहला लिंक आता है उसके अंदर आपने जाना है, और ये लिखा हुआ रहा है जी डाउनलोड फॉर मैक यूनिवर्सल। ठीक है, आपके पास ये लिखा हुआ रहा होगा कि डाउनलोड फॉर लिनक्स या डाउनलोड फॉर मै डाउनलोड फॉर विंडोज़, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप हैं इसको ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है कि आप कौन सा है। अच्छा, इसके अंदर भी आपने क्या करना है, ये 64 बिट वाला जो है ना विंडोज़, ये आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है, अगर ये आपके पास ना चले तो 32 बिट वाला भी आप कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें स्टेबल वर्जन करना है आपने। ठीक है, ये भी आप याद रखें, इसमें स्टेबल और इनसाइडर दो आ रहे हैं। इनसाइडर क्या होता है, ज़रा वो लेटेस्ट होता है लेकिन उसके अंदर एरर्स होते हैं। ठीक है ना, तो आपने इनसाइडर को भी अवॉइड करना है, क्योंकि ये होता तो लेटेस्ट है लेकिन इसमें एरर्स होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप कोई चीज़ पहली दफ़ा कर रहे हैं तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये एरर आपने कोई गलती की है या उस इनसाइडर के अंदर ही कोई मसला है, तो आपको ये पता नहीं चलेगा। तो आप लिहाजा आप क्या करें, स्टेबल वाला करें, जिसके अंदर इसको टेस्ट किया जा चुका है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है, कोई एरर नहीं है इसके अंदर, स्टेबल वाले के अंदर। ठीक है, तो आपने विंडोज़ 64 बिट और स्टेबल वाले पे आप इधर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैक वाले भी स्टेबल करें और लिनक्स वाले भी स्टेबल करें। ये इंस्टॉल करने के बाद, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि गिट इंस्टॉल करते हैं ना जब आप गिट, तो सम टाइम गिट इंस्टॉल होने के बाद ना इधर शो नहीं करता है, तो आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ सकता है। इसी तरीके से VS कोड भी जब आप इंस्टॉल करते हैं तो सम टाइम क्या होता है, इंस्टॉल होने के बाद भी ये बोलता है कि जी कोड इज़ नॉट रिकग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंस्टॉल सही तरह नहीं हुआ, इसका मतलब ये कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो विंडोज़ के अंदर ये खास तौर पे आपको ज़रूरत पेश आ सकती है कि आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं ना, वो इधर आपको नज़र नहीं आता है। ठीक है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत होती है कि अपने कंप्यूटर को शट डाउन करें और दोबारा से उसको ऑन करें, है ना, तो वो फिर सेट हो जाता है। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पर लिखा है जी कोड स्पेस डॉट और मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, VS कोड यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है, अच्छा तो अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने जो रिपोजिटरी को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड किया था उसको हमने VS कोड में ओपन करना सीख लिया। VS कोड में ओपन करना फ़िलहाल वैसे ज़रूरी नहीं था, मैं राइट क्लिक करके भी फाइल बनाता तो वो बन जाती, लेकिन बेहतर ये है कि जो हम यानी कोडिंग का जो प्रॉपर तरीका है ना, हम पहले दिन से उस प्रॉपर तरीके को फॉलो करें। तो आप सब लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप राइट क्लिक करके नई फाइल क्रिएट ना करें, आप VS कोड के ज़रिए इस फाइल को क्रिएट करें ना, ताकि इंशाल्लाह जब फ्यूचर में आप कोडिंग करें तो यही तरीका हो बिल्कुल आपके एग्जैक्टली, ताकि आपकी जो लर्निंग कर्व है ना वो कम से कम हो जाए। ठीक है, लर्निंग कर्व होता है ना कि जी अच्छा आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखते हैं फिर आप काम शुरू करते हैं, तो ये असल में आपके लर्निंग कर्व को मैं कम करने के लिए पहले दिन से ही आपको इसकी आदत डाल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद ना, VS कोड में आने के बाद आप देखें यहाँ पे ना, ये फोल्डर का नाम लिखा हुआ आ रहा है मेरे ना। ठीक है, जो जो फोल्डर मैंने ओपन किया है पहचान उसकी है, इधर नाम उसका लिखा हुआ रहा होगा, तो इसका मतलब है कि ये सही फोल्डर खुल गया। ठीक है, और आपने इसको खोलना कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए ही है। ठीक
ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए ही। अगर आप यहाँ से चाहेंगे ना, यहाँ से ओपन करके इधर से भी, लेकिन इधर से आपने ओपन इसको नहीं करना है, ठीक है। इधर से ओपन करने ना करने की वजह, वो अभी फ़िलहाल उस पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या वजह है, ठीक है। वजह बल्कि चलो बता देता हूँ, वो ये है कि एक होता है इसमें ओपन फाइल और एक होता है ओपन फोल्डर, ठीक है। तो ओपन फाइल अगर आप करेंगे ना, तो वो सारे आपके पास जो फीचर हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है, सारे फीचर वो शो नहीं करता। तो अभी मैंने फ़िलहाल क्या किया हुआ, ओपन फोल्डर किया हुआ है, ठीक है। जो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट से उसको कोड स्पेस डॉट लिख के खोला है ना, तो ये मैंने असल में क्या किया, ओपन फोल्डर किया। तो ओपन फोल्डर में बहुत सारे फीचर आ रहे होते हैं जो सिर्फ अगर आप फाइल ओपन करें तो उसमें वो नहीं शो होते। तो आपने इसको हमेशा उसी तरह ओपन करना है जैसे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर बताया, ठीक है, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। वंस आप सीख जाएंगे फिर तो आपको पता होगा ना कैसे क्या करना है। अभी जब तक आपको आप सीख नहीं जाते, तो आपने ये वाला जो टास्क है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ और जो आपने करना भी है, तो ये टास्क एटलीस्ट आप क्या करें, ऐसे ही करें जैसे मैंने आपको बताया, ताकि जल्दी से हो जाए, आसानी से हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले। इस बटन के ऊपर जब आप हाथ रखेंगे थोड़ी देर, तो यहाँ पे लिखा हुआ था न्यू फाइल। इसका मतलब है इस बटन को दबाने से एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। मैंने बटन को दबाया, न्यू फाइल क्रिएट हुई। उसका मैं नाम रख देता हूँ कि माई फर्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी। अच्छा, इसमें डॉट टी एक्स टी को आप ज़रूर लगाएं, राइट। डॉट टी एक्स टी से ना आपके कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि ये टेक्स्ट फाइल है। अगर आप ये डॉट टी एक्स टी नहीं लगाते हैं तो इसको पता नहीं चलेगा कि ये टेक्स्ट फाइल है या कोई और फाइल है, ठीक है। तो डॉट टी एक्स टी इसमें आप लाजमी लगाएं। अब डॉट टी एक्स टी से जो पहले वाला जो नाम है इस फाइल का, वो आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। मैंने लिखा है माई फर्स्ट टेक्स्ट फाइल, आप इसके अंदर ए बी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप इसके अंदर न्यू फाइल भी लिख सकते हैं, जो भी आपका दिल करे वो आप लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में आपने इसके डॉट टी एक्स टी ज़रूर लगाना है। तो मैं ये नाम लिख के एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये फाइल बन के तैयार हो जाती है। इस फाइल के अंदर मैं आता हूँ और मैं इसके अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ। मैंने कहा कि जी दिस इज़ माई फर्स्ट टेक्स्ट फाइल और फुल स्टॉप यहाँ पर। अच्छा, अभी आप नोट करें कि जो फाइल का नाम है, इस फाइल के नाम के बिल्कुल साथ यहाँ पे एक गोल सा डॉट आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये फाइल अभी सेव नहीं है। जैसे ही मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा तो ये गायब हो जाएगा। इसका मतलब है अब ये फाइल क्या हो गई है, सेव हो गई है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया है, एक फाइल क्रिएट करने वाला काम मुकम्मल कर लिया। अब हमने इसको github.com पे वापस भेजना है, लेकिन वापस भेजने से पहले आप ये मेक श्योर करें कि ये फाइल आपने सेव की हुई है, ठीक है। अगर आप इस फाइल को सेव नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, खाली की खाली फाइल वहाँ पे पुश हो जाएगी। आप बोलेंगे यार मैंने तो यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं फाइल पुश करता हूँ तो वो खाली क्यों पुश हो जाती है, ठीक है। तो आपने इसको सेव लाजमी करना है। अच्छा, अब सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं वापस उसी टर्मिनल के ऊपर आ जाऊँगा, ठीक है। ये टर्मिनल मैंने कहाँ पे ओपन किया हुआ है, अपनी रिपोजिटरी के अंदर ओपन किया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं आपको फोल्डर में दिखाऊँ, तो मेरे पास जो मेरी रिपोजिटरी का फोल्डर है वो कुछ इस तरह से है। ये है मेरी रिपोजिटरी, ठीक है, और ये मेरी एक फ़ाइल है जो इस रिपोजिटरी के अंदर है। तो मैंने जो टर्मिनल में ना इस फोल्डर को ओपन रखना है, इस रिपोजिटरी को ओपन रखना है और मज़ीद कमांड चलानी है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहली कमांड इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, पहले क्लियर कर दिया मैंने। सबसे पहली कमांड जो मैंने चलानी है ना यहाँ पे, वो है गिट एड डॉट, ठीक है। अगेन आपको बता रहा हूँ मैं, अच्छा गिट से पहले कोई स्पेस नहीं है ना यहाँ पे, आपको ऐसा लग रहा होगा गिट से पहले एक स्पेस है, लेकिन ये मैं बैक स्पेस अगर करूँ ना तो बस ये इसके आगे और कोई नहीं है, गिट से पहले स्पेस नहीं है। तो आपने लिखना है गिट डायरेक्ट बगैर स्पेस के, उसके बाद आपने एक स्पेस देना है, ऐड स्पेस देना है, फिर आपने लेना है डॉट और यहाँ पे आपने एंटर कर देना है, ठीक है। किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया तो इसका मतलब है कि ये कमांड सही चल गई है, ठीक है। अगर आप किसी और फोल्डर में होते तो ये एरर दे देता, कहता कि ये दिस इज़ नॉट अ गिट रिपोजिटरी। तो ये टोटल हमने तीन कमांड चलानी है इसको वापस पुश करने के लिए, राइट। अच्छा, तो पहली कमांड तो ये हो गई। दूसरी कमांड गिट कमिट माइनस एम और एक मैसेज आपका, ठीक है, फर्स्ट कमिट। ये मैंने क्या कर दी, ये मैंने दूसरी कमांड यहाँ पर लिख दी है, लेकिन अभी मैंने एंटर प्रेस नहीं किया है। क्या कमांड है ये, गिट स्पेस कमिट स्पेस माइनस एम स्पेस और डबल कोटेशन के अंदर फिर आपका एक मैसेज है ना। अच्छा, तो ये कमिट क्या चीज़ होती है, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो आप एक जब फीचर किसी एक फीचर पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप एक बटन बना रहे हैं कोई, या आप एक अबाउट का पेज बना रहे हैं, तो जब आप एक फ़ीचर को कंप्लीट कर लेते हैं ना तो आप एक कमिट करते हैं। तो इस मैसेज के अंदर आप वो बात लिखते हैं कि जी इस कमिट में मैं क्या काम करके भेज रहा हूँ, तो वो मैं बात यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें लिखूँगा शायद कि यार आई हैव कम्प्लीटेड अबाउट सेक्शन, ठीक है, या आई हैव कम्प्लीटेड बुकिंग फॉर्म
इन कॉन्टैक्ट पेज, जो भी आपने इसके अंदर काम किया ना इस कमिट के अंदर। और आमतौर पर प्रैक्टिस यही होती है कि जब आप एक फीचर को कंप्लीट करते हैं तो आप एक कमिट करते हैं, ठीक है। दिन में आप दो तीन कमिट कर रहे होते हैं मोस्टली, ठीक है, या चार पांच कमिट भी कर रहे होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कितने फीचर्स आपने कंप्लीट किए। तो अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है कि आप फिर जिस तरह कमिट करते हैं ना, इसी तरह आप हिस्ट्री में पीछे भी आ सकते हैं। जैसे फोटोशॉप के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होता है ना, कंट्रोल जेड दबाते हैं तो आप बैक आते हैं जो काम आपने किया। तो मिसाल के तौर पर अगर आप दो महीने से एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप उस प्रोजेक्ट के हर पीछे कमिट के ऊपर जाके देख सकते हैं कि जी मैंने जो पहले दिन कमिट किया था तो उस वक्त मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा था। तो आप उस फाइल को, उन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं उस तरह करके। अब इसका बेनिफिट क्या होता है वो अभी फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है। ये कोलैबोरेशन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप पीछे की तमाम चीज़ें देख सकें, ठीक है। जैसे अगर चार लोग एक ही सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं तो जी कोई अगर प्रॉब्लम आ गई, कोई एरर आ गया, तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि ये कोड किस दिन लिखा गया है और किस बंदे ने ये कोड लिखा है। तो आप जब बैक ट्रैक करते हैं तो पीछे जाते हैं जिस जगह पे वो एरर ख़त्म होता है आपको वहाँ पे पकड़ में आ जाता है, ठीक है। तो एरर को ट्रैक करना, बग्स को तलाश करना, कोलैबोरेशन के अंदर इसका बड़ा अहम रोल है। तो आप क्या करते हैं, ऐसा नहीं होता कि आपने जो है ना पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बना लिया और आखिर में एक कमिट कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं करते हैं। आप हमेशा क्या करते हैं, इसको फीचर वाइज डिवाइड करते हैं। एक फ़ीचर कंप्लीट हुआ, गिटहब में भेजा, दूसरा फीचर कंप्लीट हुआ, गिटहब में भेजा, ऐसे करके, ठीक है। और जब भी आप इसको गिटहब में भेजेंगे तो आपने ये तीनों कमांड दोबारा चलानी है, ठीक है। तीसरा कमांड अभी मैंने आपको बताया नहीं। तो पहली कमांड मैंने लिखी git add dot, या अच्छा दूसरी कमांड मैंने लिखी है git commit minus m और उसके बाद मेरे कमिट का मैसेज। ये वाली दूसरी कमांड जो है ना git commit वाली, ये कमांड आप जैसे ही लिख के एंटर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एरर, ठीक है। अच्छा मेरे पास नहीं आएगा, मैंने एंटर किया तो मेरे पास क्या आ गया, ये वाली बात आ गई, वन फाइल चेंज वन इंसर्शन, यानी एक फाइल बनाई गई है इसमें और एक लाइन का उसमें कोड कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और फाइल का नाम यहाँ पे आ रहा है। अच्छा आपके पास जो है ना क्या एरर आ जाएगा कि जी आपका ना अपना ईमेल और नाम तो बताएं आप, ये आपसे बोलेगा कि आप कमिट ऐसे नहीं कर सकते, आप मुझे पहले अपना ईमेल और अपना नाम बताएं, ठीक है। तो मैं आपको बल्कि वो एरर अगर दिखा सकूँ, ये एरर आपके पास आ जाएगा। ये जो एरर आप देख रहे हैं ना, इसमें लिखा हुआ आएगा जी कि प्लीज टेल मी हु यू आर। ये जैसे ही आप कौन सी कमांड पे आएगा, ये गिट कमिट जब आप चलाएंगे ना तो उसके ऊपर ये एरर आ जाएगा आपके पास। गिट कमिट वाली कमांड आप जब चलाएंगे तो आपके पास क्या एरर आएगा, बोलेगा प्लीज टेल मी हु यू आर कि आपने। अच्छा ये एरर क्यों आता है, ये एरर जब आता है कि जब आपने गिट फौरन इंस्टॉल किया, ठीक है। और ये सिर्फ आपसे ये लाइफ में एक ही दफ़ा पूछेगा, उसके बाद दोबारा आपसे ये नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि गिट आपने फौरन इंस्टॉल किया होगा तो आपके पास ये एरर आएगा। अच्छा इस एरर में आपने करना क्या होता है असल में, कि इसको बताना होता है गिट को कि आपका गिट हब का जो ईमेल है ना वो क्या है, वो आपको बताना होता है। तो आप क्या करते हैं, देखो नीचे इसने खुद बोला हुआ है, उसने बोला है कि रन दीज कमांड्स, ये नीचे दो कमांड लिखी हुई है, ये आपने क्या करनी है, रन करनी है। इस कमांड में क्या लिखा हुआ है, गिट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल, और उसके बाद आपकी ईमेल डबल कोटेशन के अंदर ना आपकी ईमेल, ये कौन सी ईमेल, जिस ईमेल पे आपने github.com पे अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, वो ईमेल। अच्छा फिर इसी तरह ये एक कमांड आपने चला दी, रन कर दी, ख़त्म हो गया, फिर आपने दूसरी कमांड चलानी है नीचे, ठीक है, git config माइनस माइनस ग्लोबल यूज़र डॉट नेम और आपका नेम, उसके बाद ये कौन सा नेम जो आपने github.com पे साइन अप करते हुए जो नाम लिखा है ये वो वाला नेम आपने लगाना है, ठीक है। इन दोनों कमांड को आपने अलग अलग चलाना है, अगर आप इसको एक साथ चलाएंगे तो ये नहीं चलेगा, आपने दोनों कमांड को अलग अलग दफ़ा चला के अलग अलग एंटर करना है। अच्छा तो ये कमांड जैसे ही आप चला देंगे तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं। तो ये कमिट आपको दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है, जब आप इसमें यूज़र नेम सेट कर देंगे, क्योंकि ये कमिट तो आपको करने नहीं दिया था ना, इसने फेल कर दिया था, ठीक है। तो आप ये कमिट अब दोबारा चलाएंगे, तो जब आप दोबारा चलाएंगे ना तो आपके पास जो रिस्पॉन्स है वो कुछ इस तरह का आना चाहिए। जब इस तरह का रिस्पॉन्स आ जाएगा कि जी वन इंसर्शन और वन फाइल चेंज और ये फाइल का नाम, तो इसका मतलब है कि कमिट वाली कमांड सही तरह आपके पास चल गई है, ठीक है। तो अभी तक मैंने कितनी दो कमांड चला दी है, गिट एड डॉट और गिट कमिट माइनस एम और एक मैसेज मेरा। अच्छा ये कमांड मैं लिख भी दूंगा तो आप, मतलब इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, मैं लिख दूंगा ये, ठीक है। मैंने भी ये कमांड याद नहीं की है क्योंकि मैं रोज़ इसको चलाता हूँ, इसलिए मुझे याद हो गई है। अच्छा तीसरी कमांड जो मैं चलानी है मैंने, वो चलानी है मैंने गिट पुश, ठीक है। गिट पुश जब मैं चलाऊंगा ना,
तो ये सीधा सीधा पुश कर देगा, लेकिन आपके पास ये इतना सीधे से पुश नहीं करेगा। जैसे ही मैंने गिट पुश की कमांड चलाई है तो इसने क्या बोला कि यार राइटिंग ऑब्जेक्ट्स और स्पीड बताई इसने। इसने बोला कि भाई ये मैं इस रिपोजिटरी के अंदर इसको पुश कर रहा हूँ, ठीक है ना, github.com/inzamammalik और /peshawar web development class, ठीक है। इसने बोला भाई न्यू ब्रांच भी क्रिएट, तो इसने गोया के सारा का सारा जो कोड था मेरा जो मैंने अभी अभी लिखा था यहाँ पे, यानी कि मैंने जो नई टेक्स्ट फाइल बनाई थी वो टेक्स्ट फाइल उठा के इसने github.com पे पुश कर दी। लेकिन जब आप ये वाली कमांड चलाएंगे ना तो आपके पास ये डायरेक्ट पुश नहीं करेगा, आपके पास मोस्ट प्रोबेबली एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, एक चकोर सा डब्बा खुल जाएगा और उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि लॉग इन विथ गेट हब। लॉग इन विथ फेसबुक करते हो ना सब लोग, तो इसी तरह लॉग इन विथ गेट हब है। तो आपने उस लॉग इन विथ को कंप्लीट करना है। वंस आप कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपके पास भी इसी तरह ये सीधा सीधा पुश होगा, ठीक है, क्योंकि आपका गिटहब का जो अकाउंट है वो सिक्योर अकाउंट है, उसमें ईमेल और पासवर्ड लगा के आप लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे आपने ईमेल तो बता दिया था ऊपर शुरू में, है ना, हु यू आर में, लेकिन आपका ईमेल और पासवर्ड जो है ना वो लॉगिन विद के जरिए सारा कुछ ले लेगा वो। अच्छा, फिर क्या होगा कि फिर उस कंप्यूटर से आप जिस कंप्यूटर पर आपने एक दफ़ा वो लॉगिन विद कर लिया है तो उसके बाद आपसे वो उस कंप्यूटर पर दोबारा पासवर्ड नहीं मांगेगा, जैसे मेरे पास दोबारा पासवर्ड नहीं मांगा इसने, मैं एक दफ़ा वो कर चुका हूँ तो वो चल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये सब लोगों को समझ आ गया। अब ये पुश होने के बाद जब ये तीनों कमांड मैं चला चुका हूँ, ये तीनों कमांड चल जाने के बाद मैं जब जाऊँगा अपने गिटहब की रिपॉजिटरी में यहाँ पर जहाँ से मैंने ये URL कॉपी किया था, और यहाँ पे जाके मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे वो फाइल मुझे शो हो जानी चाहिए, ठीक है। ये फाइल यहाँ पे शो हो गई, इस फाइल को मैं ओपन करूँगा तो ये ओपन भी हो जाएगी, ठीक है, ये ओपन हो गई, ये फाइल में जो लिखा था मैंने वो लिखा हुआ आ गया। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे आ रहा है वन कमिट। आप देख रहे हैं कमिट के अंदर ऐसे वो हिस्ट्री टाइम आ रहा है और हिस्ट्री में पीछे जाने का इन्होंने आइकन बनाया हुआ है जी, कमिट में आप पीछे भी जा सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास जो कमिट में मैसेज लिखा था मैंने वो भी यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि जी फर्स्ट कमिट। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ तक तमाम का तमाम काम मैंने कर लिया। तो मैंने चार स्टेप जो कंप्लीट किए, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। नंबर एक, मैंने क्या किया, github.com पे जाके एक नई रिपॉजिटरी को क्रिएट किया। नंबर दो, उसको मैंने क्लोन किया अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। नंबर तीन, उस रिपॉजिटरी के अंदर मैंने कुछ फाइलें क्रिएट की हैं, या एक फाइल या दो फाइल, चार फाइल भी आप कर सकते हैं, कुछ फाइलें उसके अंदर क्रिएट की हैं। और नंबर चार, मैंने क्या किया, उन तमाम फाइलों को यानी कि उस पूरी रिपॉजिटरी को वापस github.com पे भेजा है, ठीक है। तो ये चार स्टेप में मैंने अपने काम को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, अब एक सवाल आपके जहन में आ सकता है कि जी अब तो ये मेरा सॉफ्टवेयर है, ये पूरा का पूरा ये मेरा सॉफ्टवेयर है ना असल में, तो अभी तो मैंने इसमें टेक्स्ट फाइल बनाई है लेकिन दरअसल तो मैं इसमें सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ। अब मैंने जी एक वेबसाइट मिसाल के तौर पे मैं बना रहा था, उसमें मैंने कॉन्टैक्ट का जो पेज था वो कंप्लीट कर लिया, एक कमिट मैंने कर दी, लेकिन अभी मैंने उसमें होम का पेज भी बनाना है ना। अब होम का पेज जब मैं बनाऊँगा तो क्या मैं दोबारा उसको डाउनलोड करूँगा, फिर बनाऊँगा और फिर पुश करूँगा, या मैं इसी में चेंजेस करके पुश कर दूँ, तो वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कमांड क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा, तो मैं यहाँ पे ये कमांड लिख देता हूँ, जो पहले से लिखा हुआ टेक्स्ट था उसको मैं लिखा रहने देता हूँ, उसके बाद मैं क्या कहता हूँ, सारी कमांड लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, गिट क्लोन और उसके बाद आपका URL, ठीक है। अच्छा, इस URL में ये एंगल ब्रैकेट आपने नहीं लगानी है, ये एंगल ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया कि यहाँ पे आपने URL लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपके पास वो आ जाएगा तो आपने CD करके आपने रेपो नेम के लिख के उसके अंदर जाना है, ठीक है। रिपॉजिटरी को ना शॉर्ट में रेपो भी कहते हैं। तो आप जब इसको क्लोन करेंगे तो जिस नाम से भी क्लोन होता है ये, आप क्या करेंगे, CD करके वो नाम लिख के उस फोल्डर के अंदर, उस रिपॉजिटरी के अंदर आप चले जाएंगे, ठीक है। ये दो कमांड हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, उस फोल्डर को कोड स्पेस डॉट करके VS कोड में ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट अ फाइल विथ सम टेक्स्ट, ठीक है, ये आपने काम कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, तीन कमांड है जो पुश करने वाली वो आप चलाएंगे। नंबर एक है गेट एड डॉट, सही है जी। नंबर दो है जी गिट कमिट माइनस एम योर कमिट मैसेज, ठीक है जी, गिट पुश। तो ये सारी कमांड मैंने यहाँ पे क्या कर दी है, आपके लिए ऑलरेडी टाइप कर दी है, ताकि आप अगर कोई कमांड भूल जाएं तो आप यहाँ से देख लें उसको, ठीक है जी। दोस्त, एरर क्या आता है, हाँ, नॉट रिकग्नाइज इंटरनल एक्सटर्नल कमांड, ये गिट की कमांड पे आ रहा है।
अच्छा, जो नॉट रिकग्नाइज वाला जो एरर है ना, इसका मतलब है कि गिट इंस्टॉल नहीं है आपके पास, ठीक है। अगर आपने इंस्टॉल कर लिया तो अपने कंप्यूटर को आप रीस्टार्ट करें। अच्छा, उसके बावजूद तो इसका मतलब है कि गिट अभी भी इंस्टॉल नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी इस क्लास, अभी ज़रा मैं लेक्चर कंप्लीट करके फिर आपका एरर चेक कर लेता हूँ, ठीक है। समहाउ आपके पास जो है वो गिट सही तरह इंस्टॉल नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ है रीस्टार्ट करने के बाद भी। अच्छा, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने पहले जो क्लोन किया था कुछ फाइल बनाई थी और पुश कर दिया था, अभी मैंने उस फाइल में मजीद कुछ कोड लिखा है, मजीद कुछ टेक्स्ट लिखा है, इसको मैं कैसे पुश करूँगा। इसको पुश करने के लिए अगेन मैं क्या करूँगा, वही तीनों कमांड चलाऊँगा, सही है, वही तीनों कमांड मैं अगेन चलाऊँगा। क्या है वो कमांड, इसको स्क्रीन को क्लियर करता हूँ मैं, स्क्रीन को क्लियर किया मैंने, मैंने कहा कि गिट एड डॉट, पहली कमांड, ठीक है, सब लोगों को नज़र आ रहा है ये, गिट कमिट माइनस एम और एक मैसेज कोई भी, मैंने सेकंड कमिट लिख दिया इसमें, एंटर, ठीक है, ये गिट कमिट हो गया यहाँ पे। अच्छा, और तीसरी कमांड क्या है, गिट पुश, ठीक है, गिट पुश जैसे ही मैंने किया तो ये क्या हो गया, ये सारा का सारा चेंज यहाँ से चला गया, किधर चला गया, गिटहब डॉट कॉम पर जाके पुश हो गया ये, ठीक है जी। आ जाते हैं आप गिटहब डॉट कॉम पर जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप नोट करें यहाँ पे क्या हो गया, अब दो कमिट हो गया, ठीक है। और फाइल को जब मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे वो सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, वो टेक्स्ट जो मैंने मज़ीद लिखा है। अच्छा, अब मैं जितनी दफ़ा भी इस फाइल में चेंजेस करूँगा, मैं ये तीन कमांड चलाऊँगा, ये सारा का सारा कोड गिटहब में पहुँच जाएगा मेरा, ठीक है। किसी का अगर कोई सवाल है यहाँ तक तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम क्लोन वाला क्या है। अच्छा, क्लोन बहुत आसान है, आपने क्या करना है, किसी भी फोल्डर में जाना है, जैसा कि मैंने बताया था ना यहाँ पर, आपने किसी भी फोल्डर में जाके एड्रेस बार पे क्लिक करना है, और एड्रेस बार पे क्लिक करके आपने CMD लिखना है, तो उस फोल्डर के अंदर जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होकर आ जाएगा, और आपने उस फोल्डर में गेट क्लोन की कमांड चलानी है, ठीक है। कमांड मैंने लिख दी है, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर, आपने जो ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, दोस्त ने पूछा है कि जी अगर मेरे पास ऐसा हो कि जो है ना मेरे पास, मैंने तो PES लिखा तो उस नाम से कोई और फाइल नहीं थी, अगर कोई और फाइल होती फिर क्या होता तो मैं CD करके ना एक फोल्डर पीछे आ जाता हूँ, ठीक है, मेरे क्लास के फोल्डर में आ जाता हूँ। अब आप देखें यहाँ पे ना ASF करके दो फोल्डर हैं, बिल्कुल सेम है ये, है ना। तो अब क्या होगा यहाँ पे, मैं CD करूँगा और स्पेस देके ना मैं, अच्छा पहले तो मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने CD लिखा और अब मैं क्या लिखूँगा, A लिखूँगा, बल्कि मैं कुछ भी ना लिखूँ, मैं सिर्फ टैब दबाऊँ अगर, तो सिर्फ टैब दबाने से क्या किया इसने, नीचे मुझे तमाम अवेलेबल फोल्डर के नाम दिखा, ये क्या हुआ, मैं लिखा CD और लिखा मैंने टैब, जैसे ही मैंने टैब दबाया तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, जितने भी फोल्डरों के नाम मैं लिख सकता था यहाँ पे खड़े हो गए, तो वो सारे नाम नीचे मुझे प्रिंट कर दिए इसने। मेरा कर्सर अभी भी ऊपर ही है, देखिए आप मूव कर रहा हूँ, कर्सर मेरा अभी भी ऊपर है, तो मैं अब क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा ASF, ठीक है, और अब मैं दबाऊँगा टैब, अब लेकिन ASF के नाम से दो हैं, तो अब क्या होगा, टैब दबाने पर ये कंप्लीट हुआ है लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। आप नोट करें, वो आखिर में ए और बी जो था ना वो नहीं किया उसने कंप्लीट। मैं दोबारा टैब दबाऊंगा ना तो नीचे देखिए मुझे दो दिखा रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा यार ए में जाऊं या बी में जाऊं, तो मैंने कहा ए में चले जाते हैं, और अब मैंने टैब दबाया तो ये स्लैश आ गया, इसका मतलब ये कंप्लीट है, एंटर करूंगा मैं इसके अंदर चले जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज़ और नोट करें कि मैं अपने कोड को लिखते हुए मोस्टली क्या कर रहा हूँ, माउस को टच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सारा का सारा काम कीबोर्ड से कर रहा हूँ। और एक डेवलपर के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि वो कीबोर्ड शॉर्टकट्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे, कीबोर्ड के ज़रिए कोशिश करें आप सारा काम करें, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा शॉर्टकट मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ जो आपको पता नहीं चल रहा, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि ये सर ये शॉर्टकट आपने कैसे किया, ये आपको मैं बताऊँगा फिर ना। तो अगर आप ये सारा काम कीबोर्ड से करते हैं ना तो ज़रा फास्ट होता है ये, ठीक है। अभी तो शायद आपको लग रहा होगा यार कीबोर्ड से कैसे फास्ट होता है,
लेकिन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जब कोडिंग करता है तो उसके लिए ये बात ज़रूरी है कि वो माउस को कम से कम हाथ लगाए, क्योंकि माउस को हाथ लगाने से क्या होता है, देखना पड़ता है। माउस को हाथ लगाने से क्या होता है, देखना पड़ता है। लेकिन जब आप कीबोर्ड से करते हैं ना तो आपको इतना ज़्यादा देखना नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं आपकी तरफ देखते भी कुछ कोड लिख सकता हूँ। अच्छा, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों जिनका अभी कीबोर्ड पे हाथ सेट नहीं हो, आपको बटन ढूंढना पड़ता हो कि यार ये बटन किधर है। लेकिन जब आप थोड़े दिनों तक इस पे हाथ अपना साफ करेंगे ना, जब आप थोड़ी दिन तक इस पे टाइप करेंगे, तो वो आपको खुद ही ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि कौन सा बटन किधर होता है, ठीक है ना। अभी आप मोबाइल में मैसेज टाइप करते हैं तो आपको ढूंढना तो नहीं पड़ता है ना, ठीक है। तो इसी तरह ये भी कीबोर्ड है, ये शुरू में आपको मसला करेगा शायद कि यार क्या चीज़ किधर है, लेकिन थोड़े दिनों में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको आदत पड़ जाएगी। ये टाइपिंग वाइपिंग के सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, टाइपिंग कर रहे हैं सॉफ्टवेयर से, वो बेकार है चीज़, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। टाइपिंग के सॉफ्टवेयर से आप कभी भी टाइपिंग नहीं सीख सकते, ठीक है। टाइपिंग आप सीखेंगे टाइपिंग करने से, ठीक है। आप चाहे वो सॉफ्टवेयर के ऊपर करें या कहीं भी करें, आप टाइपिंग करने से सीखेंगे। आप जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो इन जनरल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो आई टी की जो फील्ड है, ये ऐसी फील्ड है, ये करने से आती है भाई, ये पढ़ाई करने से नहीं आती। अच्छा, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखा दिया, यहाँ पर कितना स्मूथली हो गया हर कुछ, है ना। एक भी एरर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। इवन मुझे ये भी पता है कि कहाँ पे क्या एरर आएगा, हालांकि आ नहीं रहा हूँ मेरे पास, लेकिन मुझे पता है कि वो कौन सा एरर आएगा वहाँ पे। तो ये याद नहीं कर सकते आप इसको, इसमें से कोई भी चीज़ आप याद नहीं कर सकते, ना ही आपने याद करने की कोशिश करनी है। आपने इसको देख के करना है, ये कमांड जो मैंने लिख कर दिए ना आपको, इस कमांड को देख के आपने करना है। इस कमांड को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इतनी दफ़ा करेंगे इंशाल्लाह कि आपको ये सारी कमांड खुद ही याद हो जाएगी। अच्छा, आज के बाद हमने जहाँ पे भी कोई टास्क बनाना है ना इस क्लास में, चाहे वो हम HTML, CSS का हो, JavaScript का हो, जहाँ पे भी हमने टास्क बनाएंगे, हम कोई भी टास्क हम बनाएंगे, तो वो तमाम का तमाम टास्क आप क्या करेंगे, इसी तरह से GitHub में पुश करेंगे और फिर उसका URL आप मुझे भेजेंगे, ठीक है। तो अब आपका जो टास्क है वो क्या है कि आपने इस तरह की एक रिपोजिटरी बनानी है, जैसे मैंने आपको करके बताया। इसमें एक फ़ाइल बनानी है, उस फाइल में कुछ टेक्स्ट होना चाहिए। जब आपसे ये बन जाए तो आप क्या करेंगे, ये URL जो है ना, ये वाला, ठीक है, ये URL कैसे मिलेगा आपको, आप रिपोजिटरी के नाम पे क्लिक करेंगे तो ये URL आपके पास आ जाएगा। रिपोजिटरी के नाम पे आप क्लिक करेंगे, ये URL आपके पास आएगा। ये URL आप यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करके आप कहाँ पे कर देंगे, ये मुझे WhatsApp के ग्रुप में आप ऐसे पेस्ट करके दे देंगे, ठीक है। जब ये URL लिखता हूँ तो डायरेक्ट वो फोल्डर खुलता है, क्योंकि ये रिपोजिटरी पब्लिक रिपोजिटरी है, तो ये URL जो भी क्लिक करेगा ये उसके पास खुल जाएगी रिपोजिटरी, ठीक है। अगर प्राइवेट होती फिर नहीं खुलती। तो ये पब्लिक रिपोजिटरी आपने बनाकर WhatsApp का जो ग्रुप बना हुआ है आपका, उसके अंदर इसका URL भेजना है। वो URL मैं खोल कर देखूंगा, वहाँ पे फाइल बनी भी होगी तो मैं कहूँगा जी कि आपका असाइनमेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलें जी, सब लोग इसको बनाना शुरू करें जी। दोस्त, ये कमांड लिख दिया ना मैंने, डाउनलोड कर लो ना, गिट डाउनलोड कर लो, क्या मसला है। ये कमांड स्क्रीन के ऊपर मैंने लगा दिया, ठीक है ना। चलें,